गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 50 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी लाइव जुड़िए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आपके पास सही से पहुंच पा रही है और वीडियो सही से चल पा रही है। तो 50 जो क्वेश्चन हम लोग आज साइंस से करने वाले हैं उसके हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का मात्र समय देंगे। उन सभी सवालों को आपको सॉल्व करना है और लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपका यहाँ पे एक टेस्ट हो सके, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही करीब है। 6 जुलाई को आपकी एग्जाम होने वाली है और आज 30 जून है, ठीक है। तो 5 दिन का समय आपके पास शेष है। इन 5 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। किस टाइप के पैटर्न होते हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको 50 क्वेश्चन अभी हम इस क्लास के माध्यम से कराने वाले हैं। तो सभी लोग आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा, आपको ईजी टू हार्ड मिलेगा, ठीक है। एकदम आसान से मीडियम भी मिलेगा और थोड़ा कठिन भी मिलेगा। तो इन सभी सवालों को आपको सॉल्व करना होगा और ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग चीटिंग करके कीजिएगा, ठीक है। चीटिंग करके बिल्कुल नहीं करना है। चीटिंग करके सिर्फ अपने आप को धोखा दे सकते हैं। आप क्वेश्चन को तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का है आपके स्क्रीन पे कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। देखिए हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से तैयार कर लेंगे कि किया था। तो ऑक्सीजन का खोज किया था जे प्रिस्टले ने किया था। किसने? प्रिस्टले ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन का खोज, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या है कि वायु में गैस की सबसे अधिक मात्रा जो होती है किस में होती है, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑक्सीजन में। तो वायु में गैस की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किस में होती है। इतना इजी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं पता। देखो सबसे अधिक अगर बात करें वायु में तो वह नाइट्रोजन क्या होता है, किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता। ऑक्सीजन का खोज जे प्रिस्टले ने किया था, ये हम आपको बताए थे, ठीक है। तो अगर वायु में गैस की मात्रा को देखें तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि कौन जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसके बारे में बताइए आप क्या होगा। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए है आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है और फटाफट आप लोग बताइए कि कौन जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो देखिए अगर सबसे अच्छे चालक की बात करें विद्युत धारा का तो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। अगर आपने ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। मनुष्य के शरीर के रक्त को साफ करने का काम कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आज का आपका 3 है और फटाफट आपको बताना है 5 से 10 सेकंड के अंदर। अमन, शिवानी, क्या है, भावना, संजीव, रंजन, वर्षा, अमृत, अमन, अश्मिता, काजल, आरके अंसारी, वर्षा, अनुराधा, लवली मिश्रा, गोल्डी। चलिए आप लोग के कमेंट आ रहे हैं। रंजन भी है, कृति शुक्ला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिक। ब्रिक को क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं ना। तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो ब्रिक करता है, यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में, कैलोरी में, तापमान में या फिर अग्र में। बताइए भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में, कैलोरी में, तापमान में, देखो और अग्र में। कौन सा होगा इसमें, तो कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं हम लोग, कैलोरीज में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ लिए, पित्त जो है कहाँ से अस्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पित्त कहाँ से अस्रावित होता है, लीवर से, हृदय से, पित्ताशय से या फिर छोटी आंत से। तो फीत भाई कहाँ से अस्रावित होता है, आज का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए, समय नहीं लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आप कंफ्यूज कर पाते हैं, क्वेश्चन ईजी ही होता है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जिस वजह से आप उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाते हैं। तो फीत कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी कि लीवर से, ठीक है। इसी को यकृत बोलते हैं ना, अच्छा लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं क्या, आप लोग बताइए लीवर को क्या बोलते हैं। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से होता है, लीवर को क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, यकृत बोलते हैं ना, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विटामिन ए का सबसे अधिक स्रोत जो है कहाँ पाया जाता है। चलिए देखिए विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कई क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे, हम अभी 5 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के से बताते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, विटामिन ए का सबसे अच्छा जो विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पता है ब्लाइंडनेस होती है, जिसको बेरी ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसको रतौंधी बोलते हैं। और विटामिन ए जो सबसे अधिक पाया जाता है वह गाजर में पाया जाता है, किसमें, गाजर में। और विटामिन ए का नाम क्या है रासायनिक नाम, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए अनुराधा तो गाजर का भी पिक सेंड कर दिया, अमृत भी। अगला कि श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं, चलिए बहुत अच्छा जवाब नीतू। हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि श्वेत रक्त जो है कण क्या कहलाते हैं, श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हेमोसाइट या फिर कोई नहीं, बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं, तो श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं, बहुत अच्छे जवाब आपने दिया ऑप्शन बी यानी कि ल्यूकोसाइट। जिसने भी बताया है कि ल्यूकोसाइट, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि किसे टेबल साल्ट कहते हैं, देखो जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं ना, जिसे हम लोग साधारण नमक बोलते हैं उसका नाम आपको बताना है। किसे टेबल साल्ट बोलते हैं, जिसे साधारण नमक बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं ना, NaCl। तो कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको NaCl बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से होता है, किस अंग से होता है, भोजन जो पचता है वह किस अंग से पचता है, छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत या फिर हृदय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बिल्कुल ही दे दोगे सही से। कहता है कि भोजन का पाचन जो है मुख्यतः कहाँ से होता है, भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है। देखो बताइए भोजन का पचना किस अंग से शुरू होता है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है, तो वह छोटी आंत से होता है, कहाँ से, छोटी आंत से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया था, जब पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था तो वहीं पे इसका आंसर भी आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। ऑप्शन रोनाल्ड रॉस, गोल्डस्टीन, प्रीस्टले या फिर रॉबर्ट कोच। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिल गया था, कौन थे, प्रीस्टले थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो जे प्रीस्टले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा पदार्थ जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, यानी कि जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए कौन से पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, बताइए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन से पदार्थ को हम लोग मिलाते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इसमें नाइट्रोजन कहाँ से होगा, आप लोग नाइट्रोजन भी मिला दीजिएगा क्या, बहुत अच्छा। जो लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए क्लोरीन, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जो गंदा पानी होता है उसको पीने लायक बनाने के लिए उसमें क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, तो वह साफ होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर तांबे की गेंद को गर्म किया जाए तो उसकी जो डेंसिटी होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। उसकी डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसकी डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी उसकी घटती है, क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका डेंसिटी जो होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस अम्ल का प्रयोग जो है सीचा संचारक बैक्टीरिया में किया जाता है? कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग सीचा संचारक बैक्टीरिया में भी कहते हैं, जिसे क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस अम्ल का प्रयोग सीचा संचालक बैक्टीरिया में किया जाता है, बताइए। एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अपशिप्सिक अम्ल। चलिए नाम भी इसका अजीब है। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल का प्रयोग जो है सीचा संचायक बैक्टीरिया में किया जाता है, तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे कि विद्युत द्वारा पानी गर्म होता है। देखिए जो विद्युत केतली आप देखते होंगे उसमें पानी जो गर्म होता है वह किसके द्वारा होता है? चलिए हाँ, H2SO4 और H2SO4 रसायनों का राजा भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? H2SO4 को। तो विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है वह किसके द्वारा होता है? संवहन के कारण, विकिरण के कारण, चालन के द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वह किसके कारण से होता है। देखिए आप लोग आंसर दीजिए, आंसर अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है, आप सीखेंगे। तो अब आप आंसर ही नहीं देंगे तो फिर आप सीखेंगे कहाँ से? आप सोचेंगे कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, या फिर गलत हो जाएगा, हम इसका जवाब ही नहीं देंगे, ऑप्शन कमेंट ही नहीं करेंगे, तो फिर उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आप आंसर दीजिए, गलत हो या सही हो आपको आंसर तो देना ही है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे मुसाफिरों को ठोकरे तो होती है तकलीफ, मुसाफिरों को ठोकरे से तो होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरे ही है जो मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो जब ठोकर लगेगा तभी तो आप चलना सीखेंगे, तो इसलिए जब आंसर गलत होगा तभी तो आप सीखेंगे ना, तो इसलिए इसका आंसर आप दीजिए। तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वह किसके कारण से होता है? वह होता है चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर हो गया 15 कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। हमने शुरू में ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। देखो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी से जो रोग होता है वह होता है हड्डियों की बीमारी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह हड्डियों से। अब विटामिन डी जो होता है वह क्या कहलाती है? उससे जो बीमारी होता है हेडिकेटस, यानी कि हड्डियों की बीमारी कहलाती है, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी जो मिलता है वह सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, विटामिन डी के बारे में अगर याद करना होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो आपको ट्रिक भी याद होगा, हमने बताया था कि तुम मेरे लिए सूरज की वो किरण हो जिससे मुझे विटामिन डी मिलता है। हर लोग कहता है ना भाई कि तुम मेरे लिए सूरज की वह पहली किरण हो जिससे मुझे विटामिन डी मिलता है। बस इसी में तो आपका आंसर छुपा हुआ है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूरज की किरण से मिलती है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो क्या होता है? रतौंधी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या होता है? ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। रिकेटस जो होती है वो कौन सी? हड्डियों की बीमारी है और यह विटामिन डी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग जो होती है वह जिसको बोलते हैं क्या होता है? त्वचा की जो बीमारी होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? विटामिन सी कहाँ से मिलता है? तो आंवला से मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत किसको मानते हैं? आंवला को मानते हैं विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग होता है, जो चर्म रोग टाइप का होता है ना, सब विटामिन सी की कमी से ही होता है। विटामिन ई की कमी से जो होता है प्रजनन क्षमता की कमी होती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता की कमी होती है, प्रजनन क्षमता की कमी जो होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि लाल रक्त कणों का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिकाओं लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है, बताइए। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, यकृत में या फिर किडनी में। तो देखिए इसके राइट आंसर की और अगर बढ़े तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणों का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि एकॉस्टिक्स विज्ञान है क्या। देखिए एकॉस्टिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, एकॉस्टिक्स जो विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मत्स्य पालन, उसके अलावा सेरिकल्चर, उसके अलावा माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, उसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, एकॉस्टिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो ध्वनि का। एकॉस्टिक्स विज्ञान जो संबंधित है वो किससे, साउंड से संबंधित है, यानी कि ध्वनि से। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पानी और चौक के, इसको हटा दो आप। क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका आंसर बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है उसका नाम आपको बताना है। चलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, धीरे धीरे आपके कमेंट भी हम लेंगे। बहुत सारे नए स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी पे ऑल पे आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्षा की जो बूंदें होती है वह गोल होने का कारण क्या है। अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ही बारिश हो रही है, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बहुत जगहों पे जो ऐसी हो चुकी है कि बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई है। अभी भी कंटिन्यू बारिश चल ही रही है। तो क्वेश्चन है कि वर्षा की जो बूंद गोल होती है उसका कारण क्या होता है। केशिकत्व की जो क्रिया होती है, इसमें लैंप में जो तेल होता है ऊपर की ओर बढ़ता है उसके कारण से होता है। किसके कारण से, केशिकत्व की क्रिया के कारण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर होगा वह पृष्ठ तनाव होगा, ठीक है। तो वर्षा की जो बूंदे गोल होती है वह किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, वर्षा की बूंदे गोल। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, खट्टे फलों में ही विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, बताइए, फटाफट बताइए, एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है। एकदम बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लासेस। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, मेहनत कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लुई पाश्चर। देखिए रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था, कब, 1665 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 23 नंबर कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है। क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। देखिए अगर सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई कि माइका क्या है। माइका है क्या, चलिए माइका के बारे में आप लोग जानते हैं, माइका क्या है, किसे कहते हैं। चलिए अगर आप लोग को पता है माइका के बारे में तो आप लोग बता दीजिए कि माइका है क्या, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, या फिर दोनों है। माइका किसको बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है किसी को पता होगा माइका किसको बोलते हैं। देखिए माइका जो होता है अभ्रक होता है, अभ्रक होता है, अभ्रक। चलिए माइका किससे बोलते हैं, अभ्रक को बोलते हैं। तो यह क्या है, यह विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है, मायके का मतलब ये नहीं है कि शादी होने के बाद जो लड़कियों का घर होती है उसको मायके बोलते हैं, जो पहले छूटा हुआ घर होता है वो मायके हो जाता है, ये भी मायका है और वो होता है मायके होता है। चलिए आवरक होता है माइका। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो आप लोग मायके मत जाइए, लड़के लोग खास करके आप मायके मत जाइए, ससुराल जाइएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है बताइए, हृदय में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में या फिर वृक्क में, अम्मी का घर। चलिए बिल्कुल अम्मी और अब्बू दोनों का घर होगा, केवल अम्मी का घर थोड़े ना होगा। चलिए, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, हृदय में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में या फिर वृक्क में। तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मस्तिष्क में। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वह कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन 26 है कि डिप्थीरिया बीमारी जो होती है किस अंग को प्रभावित करती है। देखिए जो डिप्थीरिया रोग होता है वह किससे संबंधित है बताइए, डिप्थीरिया जो है रोग जो होता है किस अंग को प्रभावित करती है, कान को, गला को, आंख को या फिर पैर को। डिप्थीरिया रोग किससे प्रभावित करती है, तो गले को करती है। किसे करती है, गले को करती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो डिप्थीरिया रोग जो होती है वह गले को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 27 कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था बताइए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए आप लोग को कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। अरे जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो कहने का मतलब कि देखिए जो पत्थर भी है वह चोट खाना, भगवान बनने के लिए पत्थर को भी क्या करना होता है, चोट खाना होता है, हथौड़े की चोट खानी पड़ती है, तब जो है वहां पे जाके वे उसे भगवान का दर्जा मिलता है। तो चोट तो खानी पड़ेगी, इस वजह से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेएल बियर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेएल बियर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और मैकमिलन ने साइकिल का खोज किया था, साइकिल का खोज किसने किया था, तो मैकमिलन ने किया था। चलिए हाँ बिल्कुल, हथौड़ा आप लोग मार ही दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कोई भी प्रतिध्वनि किस कान से सुनी जाती है। आप जानते पानी के सामने बोलते हैं, वहां पे पानी हो, वहां पे घर है, वहां पे बोलते हैं, तो आपका आवाज जो है रिटर्न नहीं मारती है, इसका रीजन क्या होता है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के प्रवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण या फिर ध्वनि के व्यक्तिकरण के कारण। तो प्रतिध्वनि जो हम लोग सुनते हैं वह कैसे, क्योंकि वह प्रवर्तित होता है, वह प्रवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन से रंग का तरंग दर्द जो होता है सबसे अधिक होता है। कौन सा रंग है जिसका तरंग दर्द जो होता है सबसे अधिक होता है, बैगनी, नीला, हरा या फिर लाल। यातायात में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा हिंट्स पे आपके लिए। देखिए कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नीला, नहीं नीला नहीं होता, लाल है सबसे, अगर अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल का होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है। आप चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, ये बताइए। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या, जब जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आता है तो क्या होता है, क्या बताए थे, हाँ परावर्तन के कारण, ठीक तो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा जो होता है, एक सेकेंड हम फिर से क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सूक्ष्म सेल उदाहरण है किसका, सूक्ष्म सेल किसका उदाहरण है, प्राथमिक सेल का, द्वितीयक सेल का या फिर तृतीयक सेल का, किसका है। तो शुष्क सेल उदाहरण है किसका, क्वेश्चन नंबर कितना है 31 है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते चलिए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए कहाँ क्वेश्चन है जहां पे कंफ्यूजन हो रही है, तो शुष्क सेल उदाहरण है किसका, यह हो जाएगा प्राथमिक सेल का। क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल का। देखिए जिनका बैकग्राउंड अगर साइंस रहा हो, यानी कि जिन्होंने इंटर में साइंस लेके पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में साइंस लेके पढ़ा हो, उनके लिए तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होगा। कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरिया प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसमें किसकी मात्रा है यूरिया में? बताइए। यूरिया को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। अब पता है कि यह यूरिया में कितना परसेंट, हमें नहीं बताएंगे कि क्या होता है। चलिए नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है, यानी कि 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% रहती है। ठीक है, और खाद जो बनाया जाता है वो नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि एक वायरल में कितने लीटर होते हैं? एक वायरल में कितने लीटर होते हैं? एक वायरल कितने लीटर का होता है? एक वायरल कितने लीटर का होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही देंगे। 159 लीटर। तो एक वायरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। यह बात अलग है कि तुम बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थल पे खिल रहे हैं, चिराग आधियों में जल रहा है। तो आप लोग भी बदलिए मौसम की तरह। बदलना क्या है, और बदलने का मतलब ये थोड़ी ना कि सर के सो जाइए। तो कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस करता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड करता है, CO2। कौन सा करता है? CO2 करता है। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? जब ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव करती है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? उसके लिए भी यही है। चलिए उसके लिए भी यही है। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूप्रकृति पर कौन सी धातु जो होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती है? बताइए। जो पृथ्वी की जो भूप्रकृति है वहां पे सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? लोहा, निकिल, तांबा या फिर एल्युमिनियम, किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उसमें मात्रा जो अधिक होती है वह एल्युमिनियम की होती है। किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस तो कान की हड्डी होती है ना, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। देखो स्टेपिस जो होती है कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की? जो जांघ की हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और कान का जो स्टेपिस होता है जो सबसे छोटा हड्डी होता है। अगला कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? अगर पानी के अंदर भी आपको सुनना हो तो उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? पानी के अंदर भी ध्वनि सुनने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोन, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। तो पानी के अंदर अगर आपको सुनना हो तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर भी आप सुन सकते हैं हाइड्रोफोन से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का क्या काम है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या करता है? इसका काम क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है? क्वेश्चन नंबर 40 है और उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। और बिल्कुल सही भी किया आपने, न्यूट्रॉन है। देखो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बना रखता है, जिसको हम लोग किसान का परम सहायक बोलते हैं। किसान का जो परम सहायक होता है जीव कौन सा है वो बताइए। क्वेश्चन है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है जिसे किसान का परम सहायक बोलते हैं, जो अब दिखने वाला है। अभी बारिश हो रहा है ना, बारिश के मौसम में ही तो दिखता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे केचुआ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। चलो अर्थवर्म, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कि पोलियो नामक बीमारी जो है किसके द्वारा होती है? देखिए पोलियो जो रोग होता है वह किसके कारण से होती है ये बताइए आप। पोलियो के टीके के बारे में आपने देखा था, किसने दिया था, खोज जिसका किसने किया था, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आपको बताना है कि पोलियो नामक जो बीमारी है वह किसके कारण से होती है? जीवाणु के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, कवक के कारण होती है, या प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो अगर हम बात करें पोलियो बीमारी की तो वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण से होता है? वह विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे होती है? कौन सा अम्ल है जिसकी उपस्थिति हमारे पेट में सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा जो अम्ल है जो हमारे पेट के भीतर अधिक रहता है, जो कि कीटाणु को नाश करता है? कौन सा गैस है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं? चलिए इतना हिंट हम आपको दे देते हैं, HCl उस गैस को बोलते हैं, हम लोग अम्ल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HCl, जो हमारे पेट के भीतर कीटाणुओं का नाश करता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HCl। ठीक है, इसको HCl बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर ने, एलन मस्क ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? सापेक्षता जो सिद्धांत दिया था वह आइंस्टाइन ने दिया था। और आपको पता है कि न्यूटन के जो गति के नियम है, न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? 3 गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए हैं? तो 3 दिए हैं। तीनों को आप ध्यान रखिएगा, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आ गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किस मॉडल पर आधारित है ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में तो देखिए, आप लोग कहते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किस पर आधारित है, उसको किसने दिया था? मॉसले ने किया था। किसने? मॉसले ने दिया है। हम लोग मेडलिव लगाते हैं, ठीक है, वे अलग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस मॉडल पर आधारित है? यह मॉसले पर आधारित है। और देखिए यह जो आधारित है यह परमाणु संख्या पर है, यह मॉसले का है। और अगर बात करें जो मेंडलीव का है वह परमाणु भार पर आधारित है। जो मेंडलीव का है वह परमाणु भार पर आधारित है। और जो मॉडल किसका है? मॉसले का है, वह है परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोफिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोफिया क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, जरा दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद? मोतियाबिंद जो है आंख की बीमारी है। ठीक है, ये सभी तो आंख की ही बीमारी है। निकट दृष्टि दोष हुआ, जरा दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? जिसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की ना दे, यही ना होता है निकट दोष। निकट दृष्टि दोष किसे बोलते हैं? जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है निकट की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? क्वेश्चन नंबर 47। चलिए इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके और हैं, 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो चलिए इसके राइट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। कमेंट भी आप लोग के आ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का खोज किसने किया है? आज मैंने आपको बता दिया कि प्रिस्टले साहब ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, वही मंडल बोलते हैं। और निचली परत को क्या बोलते हैं, इसको क्षोभ ऐसे लिखेंगे ना, क्षोभ ऐसे होता है। इससे क्या बोलते हैं, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है, तो इससे बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं वायुमंडल की निचली परत को। और ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और जहाँ पे हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको समताप मंडल बोलते हैं। यहाँ पे तापमान जो है समान रहता है। अगला कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके 49 है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रखते हैं ताकि उसमें आग ना लगे। सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, तो किरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि वह आग ना उठा सके। तो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन निकलती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जल किसकी इकाई है। इस क्वेश्चन के बाद हमको नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग भी बताएंगे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की संख्या और भी बढ़ाएंगे और वहाँ पे अधिक क्वेश्चन करेंगे। जूल किसकी इकाई है, तापमान की, ऊर्जा की, ज्योति का या फिर बल का। बल का मात्रा क्या होता है, डाइन होता है ना, डाइन। तो जूल किसकी है, ऊर्जा का होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, ऊर्जा का है। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की है। चलिए हाँ, हम बोले थे कि 2 घंटे की क्लासेस लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बारिश थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो गई है जिस वजह से हमारे पास अभी लाइट नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में हम मतलब सिस्टम चार्ज कर लेते हैं, फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, फिर क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई है जिस वजह से अभी लाइट नहीं है, तो फिर से हम एक क्लास आपकी लगाएंगे। कुछ देर बाद हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, हो सके तो 3 बजे आपकी क्लासेस होगी। अगर 3 बजे से थोड़ा बहुत देरी भी हो सकती है, लेकिन एक लाइव क्लासेस आपकी चलेगी जहाँ पे हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो अगर लाइव क्लासेस के बारे में आपको जानकारी लेगा, समझे बात को, तो करना क्या है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग पहले से ज्वाइन है आप वहाँ पर कर लीजिए। हम कुछ देर बाद फिर से एक क्लास लगाते हैं, हम आपको फिर से नोटिफिकेशन दे देंगे एक और क्लासेस के लिए। यहाँ तो साइंस कर लिए, वहाँ पे हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होने देंगे, आपकी क्लासेस चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी उस पर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस की टाइमिंग हम आपको बता देंगे कुछ देर बाद मैसेज करके, और इसके आप जो है पीडीएफ भी हम आपको भेज देते हैं। चलो जो लोग नहीं हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सर्च कीजिए स्टडी, ठीक है, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेक स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग हो सकती है दोपहर 3 बजे, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।